नवजात शिशु और अल्ट्रासाउंड संचालकों के बीच चल रहे मामले का सोमवार को पटाक्षेप हो गया। गौरतलब है कि जन्म के पूर्व बच्चे के अल्ट्रासाउंड में गलत रिपोर्ट पर पीड़ित ने 4 अल्ट्रासाउंड संचालकों पर कार्रवाई की मांग जिलाधिकारी से की थी। उसके बाद जांच के पश्चात डीएम ने चारों संचालकों को सील कर दिया था। उसके बाद भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मामले के पटाक्षेप की बात कही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने सिटी मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों को सुनकर उसके निस्तारण के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सोमवार को आईएमए के पहल पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिससे बच्चे को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अन्य राहत उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, विवाद हुआ था, अल्ट्रासाउंड सेंटर सील हुआ था, उसमें सर क्या प्रगति है सर? इसमें प्रगति उसमें ये है कि दोनों पक्षों के बीच में जो है आज फाइनली समझौता हो गया और दोनों पक्षों ने ये अपना निर्णय लिया कि भाई आगे से उसमें कोई इस तरह के कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी और दोनों पक्ष इसी बात पर राजी हुए। हाँ, ये है कि कई दिनों से ये विषय चल रहा था कि भाई किस तरह से किया जाए, तो उसमें जो है इन्होंने ये आईएमए ने भी अपनी भूमिका ये निभाई कि भाई आईएमए भी उसको सहयोग करेगी भविष्य में, और मुख्यमंत्री सहायता कोष से और कहीं और भी जिस तरह की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी उसमें हम लोग मदद करेंगे और आगे भी उसके जिस तरह का भी उस परिवार को मदद की आवश्यकता होगी उस बच्चे के भविष्य के को लेकर उसमें हम लोग सभी लोग मदद करने की कोशिश करेंगे। यही आज निर्णय हुआ और फिर पीड़ित पक्ष भी मान गया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है आज एक अच्छा समझौता संपन्न हुआ। सर, इसमें समझौता होने के बाद भी क्या कोई कंपनसेशन वगैरह की भी बात हुई है? कंपनसेशन में यही है कि जो है आईएमए जो है ये लोग भी जितने भी चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी वो किया जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी उनको कुछ राशि दिलवाने की कोशिश की जाएगी अनुकंपा के आधार पर। ये जो जितने जो अल्ट्रासाउंड सील हुए थे ये तो सर लीगल प्रोसेस होगा, कंप्लेंट क्या वापस ले लिया, लिख करके दिया है? हाँ जी जी, उन्होंने अपना कंप्लेंट्स वापस लेने के लिए सहमति बनी है और हमारी समझ से वो एप्लीकेशन दे भी दिया होगा या ये प्रक्रिया में होगा कि वो एप्लीकेशन दे देंगे और उन्होंने इस तरह का एक एफिडेविट दे दिया है कि आप इसको अपना लगा के अपना काम जैसा भी करना हो बात कर लें। सर, इसमें आईएमए ने सक्रिय भूमिका निभाई है, तो सर इस आईएमए की तरफ से आप परिवार को भी आश्वस्त करेंगे? आश्वस्त यही किया जाएगा, बताया तो आपको पहले ही मैंने बताया कि जो है इसमें हम लोग की भूमिका ये रहेगी कि भाई जिस तरह से भी उस बच्चे के भरण पोषण में थोड़ा बहुत, जैसे कि भाई यहाँ पे हम लोग एक मंद बुद्धि बाल संस्थान चलाते हैं उसमें भी अगर उसकी पढ़ाई लिखाई की बात होगी तो वो की जाएगी, फिर जैसे ये चिकित्सकीय सहायता की उसको जैसी आवश्यकता होगी उसमें भी हम लोग मदद करेंगे कि जिससे उसका एक सुचारू रूप से वो थोड़ा उसको भी सहायता हो जाए, बस इतनी सी बात है। सर, ये जो पूरा प्रकरण रहा है ये तो एक तरीके से बैड फेज रहा है, लेकिन ये परिणति इसकी अच्छी रही कि दोनों पक्ष के बीच में समझौता हो गया। इसमें सर आगे की भविष्य के लिए क्या आप लोगों की सीख है पढ़ने के लिए? देखिए, हम लोग ये बाकी लोगों से भी एक बार डिस्कस करेंगे कि भाई अगर इस तरह की चीजें आई तो आई क्यों, और देखिए समस्या तो वो है, डॉक्यूमेंट्स तो बहुत हैं जो इन लोगों के फेवर में, इन लोगों ने भी, हम लोगों ने भी कई डॉक्यूमेंट्स इन लोगों से मांगे थे कि भाई किस तरह से आखिर चूक कहाँ हुई, तो कैसे ये छूट गया जी। तो इन चीजों को हम लोगों ने भी उनसे सारे पेपर्स मांगे थे कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको हम लोगों ने भी अवलोकन करने की कोशिश की और डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने बहुत सारे दिए और हम लोगों ने क्या भी, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन चूंकि सारी चीजें मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते जो सारी चीजें दी हमने और डॉक्टर बी एन अग्रवाल ने पर्सनली उसमें काफी इंटरेस्ट लेके सारी पढ़ाई की और ये पाया कि जो है ठीक है वो छूट जाता है और बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिया गया कि भाई इसको डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर एक एक चीजें मरीज को बता देना आवश्यक है, शायद शायद ये थोड़ी सी
चूक कह सकते हैं आप जिसको। आइए, मैंने भूमिका अपनी अदा की इसके लिए सर, बधाई आपको और अच्छी अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको कर दिया। ठीक सर, लोगों को भी कोशिश हम लोगों ने की कि भाई कम से कम ये चीजें इसी स्तर पर निपट जाएं, बस वही चीज है।